नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन, कोविड 19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा। नगर निगम परिसर में टीका बूथ का भी करेंगे निरीक्षण। टीका लगवाने आए रेहड़ी पटरी व्यवसायियों से करेंगे बात। भाजपा को समर्थन देने वाले पार्षदों के साथ भी करेंगे बैठक। आपको बता दें, बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी के दौरे का आज दूसरा दिन, कोविड 19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा। साथ ही साथ नगर निगम परिसर में बने टीका बूथ का भी करेंगे निरीक्षण। टीका लगवाने आए रेहड़ी पटरी व्यवसायियों से करेंगे बात। भाजपा को समर्थन देने वाले पार्षदों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी के दौरे का दूसरा दिन, कोविड 19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा। नगर निगम परिसर में टीका बूथ का भी करेंगे निरीक्षण और टीका लगवाने आए रेहड़ी पटरी व्यवसायियों से करेंगे बात। भाजपा को समर्थन देने वाले पार्षदों के साथ भी करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं गाजियाबाद से आ रही एक और बड़ी खबर पर। बड़ी खबर गाजियाबाद से, बुजुर्ग की पिटाई के मामले को लेकर, पिटाई से पहले का वीडियो हो रहा है वायरल। आपको बताया कि तांत्रिक ने बताई इस वीडियो की पूरी कहानी। आरोपी इंतजार ने इन्हें बोला था कि ताबीज दे दो, इन्हें ताबीज देकर मेरे वश में कर दो। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, बुजुर्ग की पिटाई के मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में तांत्रिक बता रहा है पूरी कहानी। आरोपी इंतजार नामक युवक ने इन्हें बोला था ताबीज देने को, ताबीज देकर वश में करने को बोला था किन्हीं अज्ञात युवकों को। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने है? इंतजार ने कह के भेजा है, कह के भेजा के जिन्हें मेरे बस में कर दो बस। मेरे घर के ने जो तभी वो भी सब दे के गया हो? अच्छा हाँ, बस ये सब इंतजार के कहने से गए, इंतजार के कहने से। ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पर झूठ रहे थे नहीं? हाँ हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस।
तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे गाजियाबाद का ये मामला जिसमें अब ट्विटर सहित 8 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, आपराधिक मामला यहां पर दर्ज हो चुका है और एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जिस बुजुर्ग की पिटाई की गई थी उस पिटाई से जस्ट पहले का यह वीडियो है जिसमें वो बुजुर्ग साफ तौर पर बोल रहा है कि किसी ने उसे तावीज बनाने को कहा था। क्या कुछ अपडेट है विवेक जी? देखिए मंगी, जो सारा विवाद है वो इस बात लेकर के है कि जो बुजुर्ग है कि क्या किसी खास संप्रदाय के लोगों ने की थी, कोई खास तरह के नारे उनसे लगवाए गए थे, उनकी हुई थी और उसके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था, ये भी सीए तो किस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सवाल इस बात है क्या ये कोई सांप्रदायिक मामला है या आपसी झगड़े का कोई मामला है जी? इस बात पर ये बात तब उठी जब खुद उस बुजुर्ग ने ये बात कही कि हमसे नारे लगवाए गए, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब उसने FIR लिखवाई, उसने अज्ञात के खिलाफ FIR लिखवाई, यानी कि वो उन लोगों को नहीं जानता है जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पता लगा कि वो सब एक दूसरे को जानते थे और जो ये वीडियो है ये बात का प्रमाण है क्योंकि ये पिटाई के पहले का वीडियो है और इसमें वो इस बात को कहे इंतजार से किसी व्यक्ति ने हमसे ताबीज बनाने के लिए कहा था और उसका किसी व्यक्ति से काम था जिसको वो अपने वश में करना चाहता था, इसलिए उसने हमसे ताबीज बनाने के लिए वीडियो में साफ तौर पर की जा रही है। जिसका मतलब है ने दुर्व्यवहार किया था वो व्यक्ति बुजुर्ग को पहले से जानते थे, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, ये बात स्पष्ट हो गई है। यही बात पुलिस भी कह रही है कि जो बुजुर्ग है वो ताबीज बनाने का काम करते थे और असर होने पर जिन लोगों को ताबीज उन्होंने दिया था वो लोग नाराज हो गए और उन्हीं लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनके साथ एक आध लोग और भी थे, यानी 3 से 4 लोग थे जिन्होंने दुर्व्यवहार किया बुजुर्ग के साथ। तो ये कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, इसका मतलब यह है ये कोई मामला नहीं, ये मामला उस ताबीज के काम ना करने से नाराज होने पर ये सब कुछ हुआ है, ये बात अब साबित हो रही है। जबकि कुछ लोगों ने इसको ट्वीट कर दिया कि ये सांप्रदायिक मामला है और योगी राज में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरह के ट्वीट किए गए जिसके गया उससे पुलिस एक्शन ले रही है। ये वीडियो साफ तौर पर इस बात को प्रमाणित करता है कि इंतजार जो आरोपी भी है पूरे मामले में उसने बाबा से एक ताबीज बनाने के लिए कहा था और उसी के कहने पर बाबा वहां पर गए थे। तो ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि जो आरोपी हैं जिनको पहले अज्ञात बताया था बुजुर्ग ने, वो अज्ञात थे, उनको बुजुर्ग ये पहले से जानते थे, यानी उन्होंने किसी ना किसी दबाव में या तो गलत बयानी की है या कोई और वजह रही है तो कुछ भी है, लेकिन ये बात सही है कि जो लोग मारपीट जिन लोगों ने की थी उसमें से काफी लोगों को ये बुजुर्ग जानते थे। देखने में ये भी आ रहा है कि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का हम कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही थी और लगातार पिछले 2 दिन से 3 दिन से केंद्र सरकार को, योगी सरकार को घेरा जा रहा था, बीजेपी को घेरा जा रहा था कि इस प्रकार से जो पिटाई हुई है एक निहत्ते बुजुर्ग की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर विवेक जी देखने वाली है कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भले और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आलोचना की उत्तर प्रदेश सरकार की, बीजेपी की, केंद्र सरकार की, लेकिन अब जब ये मामला साफ हो चुका है कि असलियत क्या है इस पूरे वीडियो की, उसके बाद अचरज की बात है कि एक भी व्यक्ति का ट्वीट या सोशल मीडिया पर कोई मैसेज नहीं आया, ना ही किसी की कोई बाइट आई मीडिया के अंदर की ठीक है हमसे गलती हो गई, हमने गलत सूचना के आधार पर इस प्रकार के काम किए। क्या आपको नहीं लगता कि एक हम कह सकते हैं कि एक जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए राजनीति से ऊपर उठकर उन तमाम लोगों को अब माफी मांगनी चाहिए? विवेक जी बिल्कुल, देखिए जो इस तरह के संवेदनशील मामलों में ट्वीट करने से पहले किसी को भी उसकी सच्चाई कहनी चाहिए। व्हाट्सएप पर या दूसरे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो वायरल होते हैं जिनसे बात बिगड़ सकती है, भावनाएं भड़क सकती हैं, इसलिए खासतौर पर जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बातें मानते हैं, उन लोगों को जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कोई वीडियो या कोई इस तरह की घटना को शेयर कर रहे हैं तो उसकी सच्चाई क्या है। यही सारे विवाद की जड़ है और इसीलिए ट्विटर पर भी केस दर्ज किया गया है और इसी वजह से जो और लोग हैं जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया था, शेयर किया था, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। विवेक जी क्या लगता है आपको कि अब उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, देखिए FIR दर्ज हुई है और उसमें बहुत गंभीर किस्म की धाराएं लगी हैं जिसमें सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाने व सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने, आपसी वैमनस्यता को बढ़ावा देने जैसी धाराएं लगी हैं। 153, 153A, 120B
तो ये काफी संवेदनशील धारा है, इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी, कुछ लोगों को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है, कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन हमारे सामने बड़ा सवाल ये है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, ये जाने बगैर अगर हम लोग उस चीज को शेयर करते रहेंगे तो इसी तरह से मुसीबतें आएंगी। ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये मामला कुछ उसी तरह का मामला है कि बात कुछ और थी और किसी और तरह से परोसी गई। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बात कुछ और थी और किसी और तरीके से इसे परोस दिया गया। और जाहिर सी बात है, इस प्रकार के जो भी मामले आते हैं, लगातार कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी तमाम मीडिया चैनलों पर आकर यही चीज़ कही है कि आपका हक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका हक है, आपको केंद्र सरकार को कोसना है, उनकी आलोचना करनी आप कर सकते हैं, आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, आप बीजेपी की आलोचना कर सकते हैं, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे देश की संप्रभुता अखंडता पर खतरा हो। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर गाजियाबाद से, भड़काऊ वीडियो के पीछे सपा नेता उम्मेद पहलवान की साजिश, उम्मेद पहलवान पर गंभीर धाराओं में मामला किया गया दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह कर रही है छापेमारी, पुलिस के डर से भागा सपा नेता उम्मेद पहलवान। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, भड़काऊ वीडियो के पीछे सपा नेता उम्मेद पहलवान की साजिश, उम्मेद पहलवान पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस कर रही है छापेमारी। आपको बता दें, सपा नेता उम्मेद पहलवान अब पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा है। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक जी, अभी हमने चर्चा करी थी इस वीडियो के पीछे का सच, और बिना सच जाने जो भी ट्वीट्स किए गए हैं, सोशल मीडिया पर जो भी बातें लिखी गई हैं, उसके पीछे सपा नेता उम्मेद पहलवान की साजिश यहां पर दिखाई दे रही है, और अब पुलिस के डर से वो भागा भागा फिर रहा है। विवेक जी, देखिए, उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी के लोनी के नेता हैं और सभी लोग इनको जानते हैं। हुआ यह था उमंग जी कि जिस दिन की यह घटना है, तो कुछ लोग इनके पास पहुंचे, उम्मेद पहलवान के पास, कि चलिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है। तो वहां पर जाकर जो रिपोर्ट वगैरह लिखवाई गई, वो लिखवाई गई होगी। उसके बाद इन्होंने उस बुजुर्ग के साथ अपना एक फेसबुक लाइव किया, जिसमें वही सारी बातें बताई गई, जिसको लेकर बाद में लोगों ने ट्वीट और रिट्वीट किए, शेयर किया उसको। ये सारी बातें उसी तरह से बताई गई उम्मेद पहलवान के द्वारा, और उस वीडियो में ये बुजुर्ग भी उनके साथ लाइव थे, जबकि सच्चाई कुछ और थी, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हुआ। उस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया गया जैसा बताया गया, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सच्चाई सामने आई। तो उम्मेद पहलवान ने भी बगैर जाने समझे, बगैर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किए हुए या उसका पक्ष लिए हुए वही बातें कहीं जो उनकी समझ में आई या जो उन्होंने दूसरों को किसी खास मकसद से बताना चाहा। तो इस फेसबुक लाइव की वजह से ही सारी प्रॉब्लम बढ़ी है, सारा कंफ्यूजन बढ़ा है, और जो गलत जानकारी थी उसको बाहर तक दूसरे लोगों ने शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं उम्मेद पहलवान इसके लिए लायबल माने गए हैं, और उसके खिलाफ उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही सारी धाराएं हैं जो अन्य लोगों पर की गई, जो ट्विटर पर की गई हैं, वही धाराएं उम्मेद पहलवान के खिलाफ भी लगाई गई हैं। फिलहाल वो फरार है, और अब देखते हैं पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। बिल्कुल विवेक जी, जानना चाहेंगे, क्या समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता या फिर अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया? नहीं, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत प्रतिक्रिया इस विषय पर नहीं आई है, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। उम्मेद पहलवान संभवतः अखिलेश यादव के साथ फोटो जरूर उनकी है, लेकिन अखिलेश यादव उनको व्यक्तिगत जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि अपने पार्टी के नेता के साथ आने जाने पर लोग फोटो तो खिंचवा लेते हैं। उनका क्या होगा ये समाजवादी पार्टी को तय करना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और अखिलेश यादव के साथ उनके फेसबुक पर भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, तो पार्टी में जरूर उनको लोग जानते होंगे, लेकिन अभी कोई अधिकृत प्रतिक्रिया इस पर पार्टी की तरफ से उम्मेद पहलवान के संबंध में नहीं आई। जी बिल्कुल विवेक जी, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद के वायरल वीडियो कांड के पीछे का सच अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर एक और आ रही है यहां पर राजधानी लखनऊ से, चारबाग रेलवे स्टेशन पर नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, प्रयागराज से चलकर मेरठ सिटी की ओर जा रही थी ट्रेन में सवार सभी यात्री बताए जा रहे हैं सुरक्षित।
चारबाग रेलवे स्टेशन पर नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, प्रयागराज से चलकर मेरठ सिटी की ओर जा रही थी ट्रेन। हालांकि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, गांव गांव टीकाकरण महाअभियान का ट्रायल आज से, जुलाई माह से शुरू होगा टीकाकरण महाअभियान। पहले 3 दिन तक गांव में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, 2 दिन तक किया जाएगा टीकाकरण। आपको बता दें कि जुलाई माह से हर दिन 10 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, गांव गांव टीकाकरण महाअभियान का आज से ट्रायल शुरू होगा। और जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई माह से शुरू होगा टीकाकरण अभियान, पहले 3 दिन तक गांव में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, उसके बाद 2 दिन किया जाएगा टीकाकरण। जुलाई माह से हर दिन 10 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए छात्र हित में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित AKTU निजी क्षेत्रों के 1247 डिप्लोमा स्तर और 19 अनुदानित संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रम में जो पिछले साल की फीस थी वही इस साल भी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से AKTU से संबद्ध निजी क्षेत्र के लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ ही प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। नए सत्र में फीस बढ़ोतरी नहीं होगी और सरकार की ओर से जारी यह आदेश राज्य के सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों पर भी लागू होगा। ये फीस समिति लखनऊ जो कि सचिवालय से डिसाइड होता है और अप्रॉक्स जो है हर 3 साल पे जब भी कोई कॉलेज वाले अप्लाई करते हैं तो 15% से 20% के अप्रॉक्स फीस हर 3 साल पे बढ़ती हैं। तो हर जैसे इस बार अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा भी इसका 3 साल पूरा हो जा रहा था, हमें भी अप्लाई करना था फीस बढ़ोतरी के लिए, बट कोविड को देखते हुए, छात्रों की सिचुएशन को देखते हुए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सेम फीस नेक्स्ट ईयर्स तक लेके चलेंगे या आने वाले समय तक जैसी सिचुएशन ठीक होती है तभी फीस में बढ़ोतरी करेंगे। तो ये आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बरसात से महाराजगंज जनपद में गंडक नदी सहित 3 नदियां जहां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, तो वहीं कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को छूने के कगार पर है। नेपाल के पहाड़ों से बहकर आ रहे महाव नाले का तटबंध 4 जगहों से टूट गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, तो वहीं कई घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में ऊपर गंडक सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो वहीं बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी सहित सिंचाई एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों ने बाढ़ से संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। जो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, उसमें महाव 4 जगह से टूटा है और वहाँ पे विष्णुपुरा में 1 जगह, 2 जगह खैरवा दूबे में और 1 जगह हमहवा में। इसके अलावा जो गंडक नदी है उसमें जलस्तर हमारा नेपाल के क्षेत्र में नारायणी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अभी प्राप्त हो रहा है और वो खतरे के निशान के आसपास है। इसके अलावा रोहिन नदी जो है अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए संभावना ये बन रही है कि 1-2 दिन में खतरे के निशान के आसपास आएगी। सभी तटबंधों की रक्षा की जा रही है। चंदन और प्यास नदी के बारे में बताना चाहूँगा, ये खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रहे हैं और सभी तटबंधों पर हमारे अधिकारी मौजूद हैं।
तो वही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा और बरेली में सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि सेतु निगम के करीब 47.45 करोड़ के दो प्रोजेक्टों का लोकार्पण होना है और इसमें सैटेलाइट का फ्लाईओवर भी शामिल है। तो वही सेतु निगम के मुख्य परियोजना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि बरेली के बहेड़ी शीशगढ़ मार्ग पर नारायण नगला के पास पुल का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट पुल का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि की जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने 2022 में 325 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर सत्ता में आने का दावा किया। तो वही सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 काल में कई कलाकारों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश कलाकार एसोसिएशन के सचिव विनोद मिश्रा की तरफ से उन सभी कलाकारों को राशन की किट व कुछ आर्थिक सहायता दी जा रही है और उससे भी बड़ी और अच्छी बात है कि उन कलाकारों के नाम इस एसोसिएशन ने गुप्त रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, इस महामारी में उत्तर प्रदेश की कलाकार एसोसिएशन कलाकारों की मदद के लिए आगे आई है। मैं इस बात के लिए इनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है ये संस्था। पिछले एक साल से बहुत सारे कलाकार जिनके पास काम नहीं है और शोज नहीं है, इवेंट्स नहीं है, शूटिंग नहीं है, खाली बैठे, वो बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों को कलाकार एसोसिएशन मिक्स राशन किट और 3,000 रुपये उनके अकाउंट में RTGS कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे कलाकारों से जो वास्तव में परेशान हैं, खाने पीने तक की दिक्कत है, वो कृपया यहाँ पे संपर्क करें, कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। नंबर है 9415106084। दूसरा नंबर है 9235879788। तो ये आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की घटना से पत्रकारों में रोष है, जिसे लेकर पत्रकारों की ओर से पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या पर रोष जाहिर किया गया और इसके तहत सभी पत्रकारों ने जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर विभिन्न मांगों को लेकर DM राजकमल को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि मृतक पत्रकार के परिजनों के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई है। इसके अलावा परिजनों में से एक को मिले सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की गई और पूरे मामले की CBI भी जांच की जाए, ऐसी मांग भी पत्रकारों की ओर से रखी गई। तो वही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाते हुए उपजा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। आज हम सभी पत्रकार साथी प्रतापगढ़ में जो पत्रकार साथी हमारे सुलभ श्रीवास्तव जी की हत्या की गई है उसके विरोध में यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम और हमने मांग की है कि उसकी जांच CBI की जांच हो, जिससे कि दूध का दूध पाने के पानी हो। साथ ही हमने उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और साथ में ही प्रदेश में जो आए दिन पत्रकारों पर हमले और हत्या हो रही है इसका विरोध जताते हुए हमने पत्रकार सुरक्षा। तो वही हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम चुंगी के पास एक जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे बैटरी से चिंगारी निकलने से आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची राधानगर पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लग गई, फिर हम भागते हुए आए, फिर पड़ोसियों ने जो है दमकल को फोन किया, फिर उसने आगे यहाँ आग लगाई। कितना तक का नुकसान हो गया आपका? कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।